देश भर के डॉक्टर सोमवार को हड़ताल पर रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रविवार को ही पहले से घोषित हड़ताल के फैसले पर कायम है। आईएमए ने यह फैसला पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की पिटाई के बाद चल रहे आंदोलन के समर्थन में किया है। आईएमए ने कहा है कि बंगाल में डॉक्टरों के समर्थन में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग को लेकर सोमवार को एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया है, लेकिन आपात सेवाएँ इससे बाहर रही हैं। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एपी गुप्ता ने बताया कि एक दिवसीय हड़ताल में नर्सिंग होम संचालक व क्लिनिक चलाने वाले चिकित्सक शामिल रहे। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में चिकित्सक विरोध स्वरूप इलाज नहीं कर रहे हैं, केवल इमरजेंसी वाले केस ही देख रहे हैं। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एपी गुप्ता ने हड़ताल के संबंध में बताते हुए कहा कि हड़ताल से आम लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कोलकाता की घटना से पूरे देश के चिकित्सक मर्माहत हैं। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार का रवैया निंदनीय है। हमारी मांग है कि चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एपी गुप्ता ने कहा, डॉक्टर एपी गुप्ता अध्यक्ष आईएमए गोरखपुर। आज का ये आईएमए का हड़ताल जो है डॉक्टरों के ऊपर जो जितनी अनुचित दबाव बना के जो मारपीट करते हैं, नर्सिंग होम में तोड़फोड़ करते हैं, उसी के अगेंस्ट में जो बंगाल में घटना घटी है, डॉक्टर के ऊपर जो है दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया है, उसी को देखते हुए पूरा आईएमए राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया हुआ है। तो आज ये भविष्य में इस तरह की कोई डॉक्टरों के ऊपर जो है मारपीट करना, किसी मरीज के मृत्यु होने के बाद, ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस तरह के लोगों को जो है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है और सरकार से साथ में ये भी मांग है कि एक सेंट्रल कानून बने, जो डॉक्टर का प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बने, जो इस तरह की घटना को रोकने में ये कानून कारगर हो और इसको सख्ती से कार्रवाई किया जाए।